हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे एंड कमेंट करके बताएं कि आप सब कैसे हो गाइस। हम दोनों तो बहुत बढ़िया हैं एंड नई रिएक्शन वीडियो लेके आई है हम सबके लिए। वीडियो का टाइटल होने वाला है बीबी सकीना की शहादत। शहादत बीबी सकीना इन पूरा टाइटल तो पढ़ने पड़ना यार। तो मुझे इस हम दोनों को इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी, देन हम सोचे कि ना वीडियो बना लीजिए क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट हमारे सर माथे पे। क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, आपकी रिक्वेस्ट पूरी करना हमारा नहीं, ऐसे वाक्य क्या ये आपकी आंखों पे सर आंखों पे सर माथे वगैरह आपकी रिक्वेस्ट। गाइस करते हैं प्ले, थोड़ा सा टाइम का इशू भी है क्योंकि बताएंगे बाद में। बात करते हैं Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehriban Ali. Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehriban Ali. Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Thabrezi. Thabrezi. Mehriban Ali ka channel hoga ye. Imam Hussain ko qatl karne ke baad Yazid ne Rasool Allah ki betiyon ko qaid karwaya aur kaha inhe qaidi bana ke meri darbar leke aao. Rasool Allah ki betiyan qaid hoke जब यजीद की दरबार पहुंची तो वो हंस हंस के जमाने को अपना मुकाम बताता रहा और ये कहता रहा कि आज मेरे दादा और बाबा जिंदा होते तो औलाद रसूल का हश्र देखते कि मैंने इनके जवानों को मार दिया और इनकी औरतों को बेइज्जत कर दिया। इमाम सज्जाद के खुतबे के बाद जब सोए हुए लोगों के जमीर जागने लगी तो यजीद ने ये कहा कि रसूल अल्लाह के खानदान को कैद में डाल दो। बस रसूल अल्लाह की बेटियां नवासियां इमाम सज्जाद के साथ गरीबों और बेवारिसों की तरह कैद में रहने लगी। दिन गुजरने लगे। उन बेवारिस बीबियों में एक छोटी बच्ची भी थी जिसको तारीख ने सकीना बिनते हुसैन लिखा। वो अपने बाबा के सीने पे सोया करती थी। वो रात को अपने बाबा को बेपनाह याद करती थी। तारीख ने लिखा वो रोती रहती थी और बाबा बाबा कहती रहती थी। उस बच्ची के रोने की आवाज में इतना दर्द था कि यजीद के महल की दीवारें हिलने लगी। यजीद ने कहा कि इस बच्ची की आवाज ने मुझे बेचैन करके रखा है, इसको जिंदान में रखो ताकि इसकी रोने की आवाज मेरे पास ना आए। बस उस 4 साल की बच्ची को जिंदान के अंधेरे में रखा गया। वो तन्हा अंधेरे में बार बार रोने लगी। उस बच्ची की बेचैन करने वाली आवाज यजीद के कानों तक बार बार आती रही। यजीद ज्यादा शराब पीने लगा फिर भी उसे नींद ना आए। बिलाखिर उसने कहा पूछो ये बच्ची चाहती क्या है। सिपाही इमाम सज्जाद के पास आके कहने लगे यजीद कहता है इस बच्ची से पूछो ये चाहती क्या है, हर पल क्यों रोती रहती है। इमाम सज्जाद ने रो के कहा ये बच्ची अपने बाबा को चाहती है, इसे एक बार इसके बाबा का सर दे दो ये खामोश हो जाएगी। बस यजीद ने इमाम हुसैन का सर जिंदान में भिजवाया। जैसे ही बीबी सकीना ने अपने बाबा का कटा हुआ सर देखा वो जारों कतार रोने लगी और कहने लगी बाबा मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, आपके बाद शुमर मुझे तमाचे मारता रहा, बाबा आपके बाद कोई मुझे ताजियाने मारता रहा, बाबा आपके बाद हमें कैद कर दिया गया, मुझे जिंदान में रखा गया। बस वो बच्ची रोती रही अपने बाबा के सर को चूमती रही और इतने में रोने की आवाज खत्म हुई और इमाम सज्जाद कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम सज्जाद ने बीबी जैनब से कहा जाओ ऐ मेरी माँ जाओ सकीना को देखो और सिपाहियों से कहा हमें 3 दिन का पानी इकट्ठा दिया जाए ताकि मैं अपनी बहन को गुस्ल दे सकूं। बस उस जिंदान के अंधेरे में उस 4 साला बच्ची को गुस्ल देने का इरादा किया। इतने में बीबी जैनब रोते रोते इमाम सज्जाद के पास आई और दस्ती अदब को जोड़ के अर्ज करने लगी ऐ मेरे बेटा तू वक्त का इमाम है, एक मसाला लेके तेरे पास आई हूँ। इमाम सज्जाद ने
बीबी जैनब के चेहरे को देखा और फरमाने लगी, ऐ मेरी माँ जैनब, आप खुद आलमा हैं और दीन के मसाइल जानती हैं। ऐसा क्या मसला है जिसका जवाब आपके पास नहीं? बीबी जैनब रो रो के फरमाने लगी, ऐ सज्जाद, जैसे ही गुस्ल देने के लिए मैंने सकीना के लिबास पे हाथ रखा तो मैंने देखा करबला से लेके कूफा और शाम के बाजार तक और कूफा और शाम के बाजार से लेके जिंदान तक सकीना एक ही लिबास में रही है। इस बच्ची ने इतने ताजिया निकाले कि इसका लिबास और इसकी खाल मिल चुके हैं। अब लिबास को उतारते हैं तो सकीना की खाल भी उतर आती है। सज्जाद बताओ कि इस मासूम बच्ची का गुस्ल इस लिबास में दे या ये लिबास उतारे। इमाम सज्जाद खून के आंसू रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ मेरी माँ, अल्लाह की मर्जी यह है कि सकीना को इसी लिबास के साथ तदफीन किया जाए ताकि रोजे महशर ये अपने नाना के पास इसी हाल में पहुंचे और कहे कि उनकी उम्मत ने उनकी बेटी के साथ क्या किया। बस इमाम सज्जाद ने उस कैद खाने में उस मासूम बच्ची को दफना दिया। सलाम हो मासूम शहजादी सकीना बिनते हुसैन पर। अल्लाह पाक को इबादत के बाद जो सबसे ज्यादा अच्छा अमल लगता है वो किसी को खाना खिलाना है। तभी मोहम्मद व आले मोहम्मद हमेशा दस्तरखान बिछाया करते थे, अपने चाहने वालों को, दुश्मनों को, दोस्तों को खाना खिलाया करते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान मदीने में तारीख का हिस्सा रहा है और उस दस्तरखान इमाम हसन को आने वाले इमाम अल्लाह के वली और सैयदो सादात बिछाते रहते हैं, चाहे वो कलंदर शहबाज हो या मेरे दादा शाह शम्स तबरेज। वो हमेशा दस्तरखान इमाम हसन बिछाते भी थे और बार बार ये फरमाते थे कि दस्तरखान इमाम हसन बिछाना या इस पे बैठ के खाना खाना एक अजीम इबादत है। तभी एक हकीर इंसान की हैसियत से जितनी अल्लाह ने मेरे दामन में वसत बख्शी, हमने दस्तरखान इमाम हसन मेरे दादा की दरगाह सैयद हुसैन शाह शम्सी पे बिछाया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस दस्तरखान पे आएंगे और नियाज इमाम हसन खाकर अपने और हमारे लिए दुआ करेंगे। इस दरगाह पे इमाम हुसैन और इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की मट्टी भी है। जो मोमिनीन कर्बला जा नहीं सकते उनसे गुजारिश है कि वो आए और कब्र इमाम। सो गाइस, ये रिएक्शन हमने दिया है बीबी सकीना की शहादत पे। उनके साथ मतलब इतना बुरा हुआ था, हमने बीबी सकीना का नोहा भी सुना है तो अपने बाबा को कैसे बुला रही थी ना, तो उसका मतलब ये कि 4 साल की बच्ची उसको इतना मारा गया कि इसके मतलब उसके जो चमड़ी जो होती है मतलब कपड़े के साथ चिपक गई थी ना, कहते अगर आप कपड़े को निकालोगे तो साथ में आ जाएगी। इतना बुरा उनके ऊपर जुल्म किया था। तो ये बेसिकली उनकी वो थी कि उनके साथ बहुत बुरा किया। वो अपने पापा मतलब बाबा के साथ थी, सोती थी उनके, है ना, लेकिन बहुत बुरा हुआ उनके साथ ही। तो आज हमने बीबी सकीना की शहादत सुनी है एंड सुन के तो यही है कि इमोशनल लगा ना बाकी। और एक इतनी छोटी सी बच्ची और बहुत ज्यादा किस्से सुने हमने ऐसे ना कि इस कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के, अभी थोड़े टाइम पहले वो भी सुना था हमने, फिर उनकी जो बच्चियां उस कढ़ाई में डाल दी थी ना। हम वो बयान आप लोग देखो जाके, आपको पसंद आएगा। फिरौन की मतलब एक माँ का दुख भरा वाक्य जो है आप लोग देखो, उसको आपको पसंद आएगा। वो कि हमें बीबी सकीना की शहादत अच्छी लगी, अच्छी तो मतलब क्या, लेकिन थोड़ा इमोशनल सा फील हुआ। तो बाकी ये था एंड आई होप सो कि आपको रिएक्शन पसंद आया होगा। गाइस अगर आया होगा तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए ना जाएं। और दूसरे चैनल में बीट ब्लास्टर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहां वहां जाके आप उसको भी सब्सक्राइब करें। सो बाकी गाइस मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेक्शन वीडियो के साथ। सो बाय।